वेलकम टू माई चैनल गाइज द टेस्टी बाइट्स बाय सोनम। गाइज आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ उसमें हम बनाएंगे कॉर्जेट की सब्जी। आपको अगर याद होगा तो हमने सांभर बनाया था, सांभर में हमने लौकी की जगह पे हमने कॉर्जेट यूज करी थी, तो वही कॉर्जेट की आज मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे एक्चुअली मैंने ऑलरेडी कॉर्जेट को काट कट कर लिया है, तो मैं आपको फुल उसकी फोटो तो नहीं दिखा पाऊंगी बट मैं वीडियो में उसकी फोटो डाल दूंगी। तो ये सिर्फ आज हम कॉर्जेट की सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो कॉर्जेट की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने अपना कुकर और ये हम स्पेशली कुकर में बनाएंगे, कुकर में क्योंकि ये जल्दी बन जाता है। कढ़ाई में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम इसमें दो सीटी लगवाएंगे एंड दैट्स इट, हमारी सब्जी बन जाएगी। तो अभी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुकर को प्री हीट पे रखा हुआ है गैस पे, तो अब मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ ऑयल। और बता भी देती हूँ, मैंने सिर्फ कॉर्जेट ली है और यहाँ पे थोड़े से बारीक टमाटर लिए हैं और अनियन लिए हैं, और बाकी जो हमारा मसाला यूज़ होता है नमक मिर्च हल्दी वो लिया है। तो मैं इसको बनाऊँगी सनफ्लावर ऑयल में। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सनफ्लावर ऑयल। आप जितना खाना ऑयल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम खाना पसंद कर सकते हैं तो मतलब एक से दो स्पून डाल सकते हैं। तो ऑयल हमारे होने के बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी साबुत लाल मिर्च। साबुत लाल मिर्च को मैं क्या करती हूँ, मैं उनको थोड़ा तोड़ के डालती हूँ, साबुत नहीं डालती। तोड़ के डालने से क्या होता है कि वो थोड़ी खाई भी जाती है और उसका अच्छा टेस्ट आ जाता है। और मैं ऐड करूँगी यहाँ पे 1 स्पून जीरा। जीरा होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारी अनियन। जीरा हमारा हो गया, मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे अनियन और जो मैंने खड़ी मिर्च ली थी हरी, वो जो कि लाल हो चुकी है। तो बहुत लोग जो लंदन में रहते हैं उनको मतलब थोड़ा आइडिया अगर होगा तो इसकी जो कॉर्जेट होता है वो लौकी का काम करता है लंदन में, क्योंकि लौकी थोड़ा मुश्किल ही मिलता है, इसीलिए लौकी का इज अल्टरनेटिव इज कॉर्जेट। तो कॉर्जेट की सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है, तो मैं आज आपको बना के दिखाती हूँ। एंड दिस वीडियो स्पेशली फॉर माई लंदन फ्रेंड्स, जो लोग लंदन में रहते हैं। प्याज को भून जाने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारे टोमेटोस। ओके, उससे पहले मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। प्याज हमारी भून गई है, मैं इसमें डाल रही हूँ 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगेन अगर कोई मतलब जिंजर गार्लिक पेस्ट खाना नहीं पसंद करता तो वो कट करके भी डाल सकता है, पर जिंजर गार्लिक पेस्ट इज इजी सॉल्यूशन। मैं इसमें डालूंगी हमारे टोमेटोस। टोमेटोस को डालने के बाद हम अच्छे से थोड़ा इसको चला लेंगे, उसके बाद मैं ऐड करूंगी इसमें हमारे मसाले। मसाले डालने के बाद हम इसमें पकाएंगे, तो मैं डाल रही हूँ 1 स्पून रेड मिर्च पाउडर, 1 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून के करीब धनिया पाउडर एंड 1/2 स्पून गरम मसाला पाउडर एंड 2 स्पून सॉल्ट, नमक स्वाद अनुसार। बहुत लोग ड्राई खाना पसंद करते हैं तो वो पानी ऐड ना करें, और अगर किसी को थोड़ी हल्की सी ग्रेवी चाहिए, हल्का सा झोल चाहिए तो वो पानी ऐड कर सकता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। तो हम 2 मिनट अपने मसाले को पका लेते हैं, उसके बाद हम कॉर्जेट ऐड करेंगे। मसाले में मैं हल्का सा डाल रही हूँ पानी, जिससे कि मसाला अच्छे से पक जाए। सो
दो से तीन मिनट हम इसको पकाने के बाद इसमें कॉर्जेट ऐड करेंगे। तो दो से तीन मिनट हो गए हैं, मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। अगर आप देख पा रहे हो तो ऑयल आ चुका है ऊपर। अब इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें हमारी कॉर्जेट, जिसको काट के हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको हम अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ऐड करूंगी मैं इसमें पानी। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी प्लस 1/2 कप और ज्यादा, एंड साथ में तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 कप ऑफ वाटर, क्योंकि मुझे थोड़ा इसको ग्रेवी वाला बनाना है। आप चाहें तो ड्राई भी बना सकते हैं, पानी इसमें ऐड ना करें। सो ये पानी ऐड करने के बाद मैं इसको ढक्कन लगा के रख दूंगी और इस पे हम 2 सीटियां लगवाएंगे, कम से कम 2 सीटियां। तो अभी मैं ढक्कन लगा के रख देती हूँ, उसके बाद मैं 2 सीटी लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो गाइस 2 सीटी मैंने लगा ली है और मैंने इसकी सीटी जो गैस होती है वो भी निकाल दी है। अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। सो गाइस 2 सीटी लग गई थी, मैंने कुकर को ओपन कर लिया है और इसको मैंने थोड़ा सा मैं खोल के पका रही हूँ, मतलब ढक्कन लगा के नहीं पका रही हूँ। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी और मैं ऐड करूँगी इसमें 1 स्पून अमचूर पाउडर। सेम, अगर आपको अमचूर पाउडर अच्छा लगता है और खाने में थोड़ा सा खट्टापन अच्छा लगता है तो आप ऐड कर सकते हैं। कसूरी मेथी एंड अमचूर पाउडर डाल के हम इसको थोड़ा सा चला देंगे, मिक्स कर देंगे और मैं इसको 2 से 3 मिनट पकाऊंगी विदाउट ढक्कन। उसके बाद मैं इसको आपको सर्व करके दिखाऊंगी। सो 2 मिनट मैंने इसको पका लिया है कसूरी मेथी और अमचूर डाल के। अब मैं इसको गैस को बंद कर रही हूँ, मैं इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ।